नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ से पंकज तिवारी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बस्सी में जब बाजार पूरे तरीके से खुलने लगे और सभी दुकानें खुलने लगी तो उसके बाद सभी आसपास के क्षेत्र के लोग यहां आकर खरीदारी करने लगे। जब बाजार में भीड़ बढ़ने लगी तो लॉकडाउन की भी धज्जियां उड़ने लगी और सभी ने किसी प्रकार की कोई पालना नहीं की, न सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की और न ही मास्क लगाने शुरू किए। जबकि चित्तौड़ जिले के निम्बाड़ा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 20 हो गई है और यह सभी के लिए चिंता का विषय हो चुकी है। इसी के मद्देनजर आज ग्राम पंचायत में इसके लिए बैठक बुलाई गई। ग्राम पंचायत में हुई इस बैठक में सरपंच जनक सिंह, थानाधिकारी विनोद मेनारिया एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिओम लड्डा तथा व्यापारी उपस्थित हुए। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 1 मई से लेकर 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा तथा किसी प्रकार की कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी। इस निर्णय को सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। गाँव में हो रहा है आपके बच्ची की छापनी लग रही है उसकी भीड़ इकट्ठी हो लोगों के, मेरी बात सुनो आप, लोगों के गांव आप गंगार भी खुला हुआ है, गंगार बंद है, खाली आपके धान गेहूँ की दुकानें खुली है, दूसरी दुकानें नहीं खुली है, खाली किराया दूसरी दुकानें नहीं खुली है। यूपी से गाड़ी आ रही शकर की, अभी बोला जयपुर से बोलो हो जाएगी, शाम तक आ जाएगी, नहीं आएगी सुबह आएगी तो नहीं कराएंगे, तो 3 दिन पड़ी को रहेगी शकर की, लोकल गाड़ी तो गाड़ी करा दे। तीन दिन तो हमारे यहाँ सुनो, 4 घंटे नहीं रखना आपको, 7 से 9 बजे रखो बस, 7 से 9 बजे हम बाहर लेके बैठ जाएंगे, देखो कोई बात नहीं, बाहर लेके बैठोगे फिर सुनिए आप, अब हमारा 1 मिनट लॉकडाउन करेंगे, हम आज में कहेंगे दूध लेने जा रहे हैं, लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें बाजार जो खुल रहे थे आसपास की भीड़ इतनी आने लग गई कि निम्बाड़ा में जो केस हुए हैं करीब 20 केस हो गए हैं, तो सभी ने ये तय किया है, व्यापारी वर्ग दूसरे तीसरे सभी ने मिलकर के, कि क्यों नहीं हम 3 दिन के लिए बस्सी को बिल्कुल ही लॉक कर दें और 3 दिन बस्सी का बाज़ार बंद रहेगा, खाली दूध घर घर जाकर के सप्लाई करेंगे और सब्जी जो है वो भी घर घर जाकर के, जो सब्जी बेचते हैं वो घर घर जाकर के सप्लाई कर देंगे, बाकी जो व्यवस्था है वॉलेंटियर तय करेंगे कि कौन किधर रहेगा और अपने अपने मोहल्ले में सभी वॉलेंटियर्स जो हैं वो पुलिस की पूरी मदद करें और पुलिस का भी हमारे साथ पूरा सहयोग है। हम बाहर से जो गांवों से जैसे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से लोग आने लग गए, इधर एमपी से आने लग गए, उन लोगों को सबको हम रास्ते बंद करके और जाम कर देंगे। के बाद 3 तारीख को 5 बजे फिर मीटिंग करेंगे, क्या स्थिति रहती है हमारे पड़ोस में जो केस हुआ है निम्बाड़ा में उसकी भी
क्या स्थिति रहती है वो तीन दिन में आगे पता चल जाएगा। उसके बाद में जैसा भी जो होगा सभी व्यापारी वर्ग और अधिकारी गण मिलकर के तय करेंगे। बस्सी और बस्सी के आसपास की जनता के हित में ये काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों के लिए आपकी क्या अपील है? ग्रामवासियों के लिए हमारी ये अपील है कि बिल्कुल लॉकडाउन रखें और स्वयं गांव वाले आगे होकर के ये तय करें कि हमें मकान के बाहर नहीं निकलना है, ये ध्यान रखें। धन्यवाद। में जैसे समीपवर्ती कस्बे में जैसे निम्बाड़ा में अभी काफ़ी पॉजिटिव केस आए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कि बस्ती एक बड़ा कस्बा है और यहाँ पे आसपास से काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खरीदारी करने वगैरह आते हैं, तो आज ग्राम पंचायत में सरपंच साहब, डॉक्टर साहब और व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ एक मीटिंग की गई और एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए आगामी तीन दिनों तक स्वघोषित रूप से पूरा कस्बा बंद रखने के, समस्त प्रतिष्ठान वगैरह बंद रखने का निर्णय किया गया है और साथ ही लोग आसपास के लोगों का जो मूवमेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए भी बॉर्डर वगैरह पर भी पर्याप्त जाप्ता लगाकर वॉलेंटियरों की मदद लेंगे और उसको उनको मूवमेंट को कम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही ये भी अपील की गई कि लोग स्वयं इन नियमों का पालन करें, जो भी इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं, जो भी गाइडलाइन जारी हुए हैं उनका पालन करें, मास्क लगाकर ही घर से निकलें, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें, जब तक कोई बहुत इमरजेंसी नहीं हो अपने घर से बाहर नहीं निकलें और प्रशासन ग्राम पंचायत द्वारा जो अपील की जा रही है उस पर पूरा तरह से अपना सहयोग प्रदान करें, तभी इस महामारी को अपने क्षेत्र में फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि इस पर बचाव ही उपचार है। इसके अलावा अभी तक इसका कोई इस प्रकार का बिल्कुल फैक्ट ट्रीटमेंट कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए जितना हम बचाव करेंगे, खुद को बचाएंगे, अपने क्षेत्र को बचाएंगे, उतना उसी में हम सभी का फायदा है। हॉस्पिटल को 24/7 स्टेज पे रन करेंगे, जिसके तहत सारी इमरजेंसी जो आती हैं हॉस्पिटल टाइम के अलावा भी, तो हमेशा हम कोशिश यही रहे कि हमारी उसको सारी सुविधा हम हॉस्पिटल से प्रोवाइड करा सकें, ताकि उसको बाहर मेडिकल तक भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसके अतिरिक्त हमारी जो टीमें घूम रही हैं तो वो तो टीमें सर्वे करेगी तीन दिन भी, और जैसे हमको किसी के बाहर से आने वाली सूचना मिलती है तो हम उसको वहीं घर पर ही जाकर उसकी स्क्रीनिंग करेंगे तुरंत, और उसको वहीं उसको होम क्वारंटाइन करा देंगे अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हमें।